आप लोगों को पता है कि मैं गोवा में हूँ और आज टेक्निकली मेरा गोवा का आखिरी दिन है जिस दिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। अब मैंने और दिन इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि भाई मैं अपनी फैमिली वेकेशन में था और अपने फैमिली वाले बंदों के साथ था। टाइम जो है वो हम लोग अच्छा स्पेंड कर रहे थे, बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर रहे थे, इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन हम गाड़ी से रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या चीज़ हायर करी, कैसे क्या स्कैमिंग वाला प्रोसेस यहाँ पर चलता है, किसके ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा आज की इस वीडियो में। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन सी गाड़ी जो है वो हम लोगों ने हायर करी थी, एट व्हाट प्राइस जो है हम लोगों को ये गाड़ी मिली थी। साथ ही साथ में अगर आप लोग गोवा आ रहे हैं तो हर कोई बंदा जो है वो आपको स्कैम नहीं करता है गाड़ियाँ, स्पेशली जब आप उनसे रेंट के लिए लेते हो, लेकिन कुछ ऐसे है लोग जो आप लोगों को स्कैम करते हैं, तो उसके बारे में आज पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताया था कि मैं कहाँ पर स्टे कर रहा था। सो आई वॉज स्टेइंग इन हॉलीडे इन, ये कैंडोलिम में है और बहुत फाइन प्रॉपर्टी है। हुआ क्या था, हम लोगों ने रुकना कहीं और था लेकिन वहाँ की प्रॉपर्टी ऑटो कैंसिल हो गई और हम लोग जो है नहीं रुक पाए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपनी गाड़ी के बारे में। तो यहाँ पर मैंने जो गाड़ी खरीदी है ये है इनोवा क्रिस्टा, जो मतलब आप लोग कह सकते हो कि इतनी ज़बरदस्त 2.4 वाला जो ऑप्शन आता है, वेरिएंट आता है, ये जी वेरिएंट है आप लोगों का। और अगर इस गाड़ी के बारे में बात करते हो, एक नंबर की गाड़ी है। आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग गोवा में कोई भी गाड़ी हायरिंग करते हो तो आप लोगों को येलो नंबर प्लेट मिलता है और उसी के साथ में आप लोगों को कुछ ना कुछ अपना पैसा रखवाना पड़ता है, साथ ही साथ में इसके चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। ये गाड़ी केवल 7000 कुछ किलोमीटर चली हुई है, वो मैं आप लोगों को अंदर जाकर दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए बाहर से अगर आप लोग बात करते हो, इस गाड़ी के अंदर जो है हेलोजन पूरा सेटअप है, ऊपर नीचे भी हेलोजन है, बीच का ग्रिल आप चेक कर सकते हो, बाकी आप लोगों का नीचे का लुक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और गाड़ी बिल्कुल जो है टिच कंडीशन में है, हल्के फुल्के स्क्रैचेज अच्छे जो है इस गाड़ी के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस गाड़ी की जो लाइटिंग है रात को बहुत पुअर है, इसको अपग्रेड करा के तो भाई हम लोग तो बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन अभी के लिए इसका जो लाइटिंग सेटअप था वो बहुत ज़्यादा पुअर था। अब गाड़ी के साइड प्रोफाइलिंग के उससे अगर आप लोग बात करते हैं, तो साइड प्रोफाइलिंग के उससे अगर आप लोग टायर की तरफ देखते हैं, आप लोग को अलॉय वाला ही ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को 16 इंची के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, 205/65/16 का जो है इसके अंदर टायर आप लोगों को इंस्टॉल मिलेगा। साइड जो आपके ORVMs है, दीज आर फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। डोर हैंडल जो है सेम बॉडी कलर का है, और ये थोड़ा सा माइंड मत करना, ये आई गेस आइसक्रीम खाने में कुछ भार लग गया होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर 3 परफेक्ट रो मिलती है, तीनों की तीनों रो के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। रियर से अगर आप लोग देखना चाहें, इट्स जी वेरिएंट से 2.4, पीछे आप लोगों का जो है ये लाइटिंग वाला सेटअप आप लोगों को हेलोजन वाला मिलेगा। पीछे ये बम्पर गार्ड लगा हुआ है, दिल्ली में इस चीज़ का वो जो है बंद हो गया है। रियर जो है आप लोगों का डिफॉगर नहीं है, लेकिन आपको रियर वाइपर मिलता है, रियर स्पॉयलर मिलता है, ऊपर आप लोगों को शार्क फिन एंटीना मिलता है, और नीचे की तरफ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप रिफ्लेक्टर्स लगा सकते हो। इसमें आपको रियर सेंसर प्लस कैमरा मिलता है, कैमरा बहुत इंप्रेसिव है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर टोयोटा की आप लोगों को बैजिंग देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर जो है आप लोगों को इंटीरियर में क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर काजू भी पड़े हैं। ठीक है भाई, तो इंटीरियर में अगर आप लोग बात करते हो तो ये टैन और ब्लैक का जो इंटीरियर है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और ये आप लोगों का मैनुअली एडजस्टमेंट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है, स्पेस वाइज जो है भाई वो इनोवा बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर स्पेसिंग है, यहाँ पर स्पेसिंग, यहाँ स्पेसिंग, बहुत खाना रख सकते हो उसके अंदर आप लोग। यहाँ पर आप बात करते हो तो पार्किंग सेंसर लाइट वाला, और साथ ही साथ में आप लोगों को कहते हैं ना कि एक फुल लोडेड जो है ये गाड़ी मिल जाती है। तो इसके अंदर बैठ के आप लोगों को दिखाता हूँ, इसका जो बैक सपोर्ट है, थाई सपोर्ट है और नेक सपोर्ट बहुत ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है भाई, ओए भाई साहब, ठीक है, अब मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी के अंदर। सबसे पहली चीज़, दिस कार इज़ अ ऑटोमेटिक वेरियंट। अगर इसमें आपने ड्राइव मोड में गाड़ी को डालना है तो ऐसे करके ड्राइव मोड में आप डाल सकते हैं, ऐसे अगर आप डालेंगे न्यूट्रल जाएगी, और अगर ऐसे डालेंगे तो इट विल गो टू रिवर्स। कैमरा बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज बहुत ज़बरदस्त है, रात को रिस्पांस बहुत अच्छा है। ये आप लोगों का वापसी पार्किंग आ गया। स्पेसिंग के बारे में बात करते हो, यहाँ पर आप लोगों को स्पेस मिलता है, यहाँ पर स्पेस मिलता है, यहाँ पर स्पेस मिलता है, यहाँ पर एक 12 वोल्ट का चार्जर आप लोग लगा सकते हो, और इसका जो एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो है वो यहाँ से वर्किंग होता है। ये आप लोगों का आर्मरेस्ट है जिसके अंदर बहुत सारा स्पेस है, गणपति बाप्पा मौर्य गणपति जी रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आप लोगों का कप होल्डर है, प्लीज़ अगर गाड़ी गंदी लगे तो प्लीज़ माइंड मत करना। यहाँ पर आप लोगों का इको मोड है जो आप लोग देख पा रहे होंगे, दूसरा बटन पावर मोड का है, ये दोनों मोड है। यहाँ पर आप लोग अगर चाहो तो मतलब कहते हैं ना कि भाई वो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करना है ऑफ करना है, तो उसका भी ऑप्शन जो है आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा, देख लो भाई। ठीक है, ऑन या ऑफ करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यूजली हम लोग इको मोड में करते हैं। जब मैंने ये गाड़ी खरीदी थी तो हम लोगों ने लेके इसमें आई गए 3020 रुपये का मैंने तेल डलवाया था,
और ये 7,370 किलोमीटर चली हुई है। और गोवा में आपको पता है गर्मी कितनी है, तो एसी चला के ही बैठना पड़ता है। अब इसके टॉप एंड वेरिएंट में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप स्पेस वाइज बात करते हो, इधर भी आप लोगों को कप होल्डर मिलता है, 4 एसी के जो वेंट्स है वो फ्रंट पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वॉच मिल जाती है, ये थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग है, IRVM जो है वो आप लोगों को मैनुअल एडजस्टमेंट मिलेगा। दीज आर योर हैलोजन लाइट्स जिसको आप यूज़ कर सकते हो, सनग्लास होल्डर जो है इसके अंदर दिया गया, और ये है आपकी मिरर वाली वैनिटी। इस साइड में आपको मिरर वाली वैनिटी नहीं मिलती है, ठीक है। इसका जो ग्लो बॉक्स है बड़ा मतलब जबरदस्त है और बहुत स्पेशियस है। सबसे पहले तो आप लोग ऊपर वाली चीज चेक करो, ये भी बहुत स्पेशियस है। और इसके बाद अगर आप कहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये भी बहुत स्पेशियस है, ठीक है। तो ग्लो बॉक्स जो है ओवरऑल बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप लोगों को देख लो भाई, कहते हैं ना भाई सनग्लास होल्डर जैसे होना चाहिए, वैसे आप लोगों का ग्लास होल्डर भी इसके अंदर है। तो आगे से ये गाड़ी भाई दिल जीतने वाली है। साथ ही साथ में आप लोगों को जो है अपनी सीट बेल्ट भी एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। अगर आप पोटोल्स के ऊपर से गुजर रहे हो आपको मदद मिल जाएगी। गाड़ी ओवरऑल जो है फ्रंट से बिल्कुल फुली पैकेज है। यहाँ से आप लोग जो है अपने साइड मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आप चाहे तो ये आप लोगों का फोल्ड भी हो जाएगा जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ से आप लोगों के जो है लॉक अनलॉक मतलब सब कुछ जो है वो सही स्पॉट में दिया गया, और जिस प्राइसिंग में गाड़ी आती है भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये एक प्रेफरेंस वाइज अच्छी चीज़ हो सकती है। अब कंपैरिजन काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई हम लोग फॉर्च्यूनर ले या इनोवा क्रिस्टा ले, वैल्यू फॉर मनी एनी डे इनोवा क्रिस्टा, लेकिन फॉर्च्यूनर लुक उसकी ऑडियंस और उसके लिए जो है ज़्यादा जानी मानी जाती है। इससे आप लोगों के मिरर एडजस्ट हो जाते हैं, ये आप लोगों को क्रोम में मिलता है, ये ब्लैक आप लोगों का जो है लॉक अनलॉक वाला ऑप्शन है। इसी के साथ में अगर स्टेयरिंग के बारे में बात करोगे, स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट है कंपैरिजन जिस तरीके की ये गाड़ी है। मतलब मैंने फॉर्च्यूनर भी चलाई है, इसको ही मैंने चला के देखा, फील बिल्कुल सेम आती है इसके अंदर। ये माउंटेड बटन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्रूज कंट्रोल यहाँ पर है डिस्प्ले से जो है, यहाँ के आप लोग बटन चेंज कर सकते हो। एवरेज के बारे में अगर आप गाड़ी के बारे में बात करते हो तो ये आप लोगों का डीजल वेरिएंट जो है वो करीबन मतलब मोटा मोटा अगर आप लोग बात करते हो, अब इसमें रेंज 51 रह गई है और हम लोगों ने बस एयरपोर्ट ही जाना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अब हम फ्यूल अप नहीं कराएंगे, लेकिन 10 की एवरेज जो है ये गाड़ी आराम से दे रही है। हम बहुत ज़्यादा नहीं चला पाए, लेकिन जितना चलाया हम लोगों ने इन्जॉय करके चलाया। हैंड ब्रेक जो है यहाँ पर आप लोगों का प्लेस्ड है, ठीक है। और एसी के बारे में अगर आप लोग बात करते हो तो इसके अंदर आप लोगों को मैनुअल एडजस्टमेंट वाला एसी मिलता है, जिसके अंदर आप लोग जो है पूरी एडजस्टमेंट जो है इसके अंदर बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। जहां तक आप बात करोगे स्क्रीन के बारे में, मेरे को ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, साथ ही साथ में रात को चलाने में ये अपने आप ऑटो डिमिंग वाला जो फीचर है जो कि आप लोग ऑलमोस्ट हर गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो ऑटो डिमिंग है वो रात को बड़ा इफेक्टिवनेस के साथ में काम करता है, स्क्रीन बिल्कुल भी आंखों में नहीं लगती है। तो भाई कंपनी की चीज़ है, तो भाई कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ तो आपको देखने को मिलेगी। गाड़ी में एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो ब्लूटूथ बहुत अच्छा है। जो ऑडियो है वो बहुत एवरेज है, लेकिन स्टिल सुना जा सकता है, जितनी आज के टाइम पे गाड़ी आती है उनसे बहुत अच्छा है। जहाँ तक आप बात करोगे कोई स्पॉट वॉट तो नहीं बनेगा जब यू टर्न लेंगे, तो इसका मेरे को कोई यूज़ दिखता नहीं है, ठीक है, जब आप लोग लोगे, लेकिन बोनट का जो व्यू है वो काफ़ी हद तक जो है क्लियरली आप लोगों को विजिबल है। यहाँ से आप लोगों की फ्रंट की लाइट्स ओपन होगी, यहाँ से आप लोग वाइपर्स जो है एडजस्ट कर सकते हैं, और ये है आप लोगों की 7,370 किलोमीटर चली हुई गाड़ी। कौन से ईयर की गाड़ी है वो मैं अभी वाहन या कार इन्फो में डाल के आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। Now we are going for the second row, और आज मैं खुद ही आप लोगों को सब कुछ करके दिखाऊंगा। सेकेंड रो में आप देखेंगे यहाँ पर चाइल्ड लॉक का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है, यूजली हर गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। पीछे भी आप लोगों को स्पेस दबा के इसके अंदर दिया गया है। इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को दो कैप्टन सीट्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, प्लीज़ माइंड मत करना, थोड़ा सा गंदा हो रखा है, ठीक है। और इनमें जो है आप लोगों को सीट बेल्ट लगाने का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि एक बहुत प्रीमियम चीज़ है इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद, ठीक है। बीच में बहुत हल्का सा हम पे, यहाँ से कोई भी बंदा पीछे जाना चाहे तो वो जा सकता है। अब इसके एडजस्टमेंट के बारे में अगर आप बात करोगे ना, तो ये पूरी एडजस्ट हो जाती है सीट, और ये ऐसे करके टॉगल करके ऊपर भी आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा भी आगे स्पेस ज़्यादा और रखा, तो इसलिए आगे समझ सकते हो ये आप लोगों का आर्मरेस्ट जो है इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। अब आप रियर के बारे में बात करोगे, बहुत सारा खाना गिरा हुआ है, बच्चों के साथ हम ट्रैवल कर रहे थे, गाड़ी जो है साफ करवा के देंगे पूरी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के कप होल्डर्स अगेन आप लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं, और लास्ट रो मेल ले तो बिल्कुल नहीं बनी है, मैं पहले ये चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन एसी के वेंट जो है वो आप लोगों को रियर में दो देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर भी आप लोगों को दो देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो है हवा तेज है कम करने का आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है, 12 वोल्ट का एक चार्जर नीचे और मिल जाता है, यहाँ पर भी स्पेस है। और मेरा ओपिनियन ये है कि भाई जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आती है, उस प्राइस रेंज में ये गाड़ी थासू है, फाड़ू है, और कहीं ना कहीं अगर इस गाड़ी के बारे में आप लोग मेरा ओपिनियन लोगे तो भैया आंखें बंद करके यू कैन श्योरली गो फॉर इनोवा क्रिस्टा। अगर आगे मेरा भी मूड बना फॉर श्योर फैमिली कार के, उससे मैं इनोवा क्रिस्टा लूंगा। ऑल दो लंबी गाड़ी है, थोड़ा सा मैं इग्नोर करता हूँ ऐसी इतनी लंबी गाड़ियाँ चलाने के लिए, लेकिन चॉइस वाइज अगर आप बात करोगे इट्स अ गुड चॉइस।
चलो गाइज, ये तो बात हो गई कि भाई भैया ने जो है इनोवा क्रिस्टा ली और उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। इट वाज अ जी वेरिएंट। आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा कि ये कौन से साल की गाड़ी है और इतनी कम कैसे चली है, वो चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी गोवा कभी भी आ रहा है तो एक कंप्लेंट यूजली जो लोगों की रहती है कि भैया हमारे साथ स्कैम कर दिया, हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ वो कर दिया, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि कभी भी आप लोग जब भी जैसे गाड़ी रेंट करते हैं तो सब कुछ जो है या तो आप रिटर्न में लीजिए या तो आप व्हाट्सएप मैसेज के एक्सचेंज में लीजिए। और जब भी आप कोई गाड़ी लेते हैं तो उसकी एक वीडियो जरूर बनाए, चाहे वो बंदा बोले मैंने ले ली ये ले ली, आपने एक वीडियो जरूर बनानी है जिससे अगर कोई स्क्रैच लगा है कुछ लगा है तो उसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप गाड़ी हायर कर रहे हो कभी भी एक मतलब एक अगर आप गोवा फ्रीक्वेंटली आते हो, जैसे मैं फ्रीक्वेंटली आता हूँ तो मेरा एक बंदा सेट है, मैं उससे गाड़ी लेता हूँ एंड ही गिव्स मी रियली रियली गुड प्राइसिंग, जिसकी वजह से मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसा है, मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैं पहली बार गोवा की ट्रिप में आया था मैंने यहाँ पर महिंद्रा थार हायर की थी और वो बंदा जो था ही वॉज वेरी बैड भाई, मतलब उसके साथ मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस था। मेरे को उसकी दुकान का नाम याद नहीं है। हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए थे, हम लोगों ने थार जो है हायर की थी, हम लोगों ने अगले दिन उनको वापसी करनी थी तो मैंने अगले दिन उनको चाबी देने के लिए बुलाया था अपने होटल में एंड दे मतलब वो आपको डिलीवरी भी कर देते और साथ में ले भी जाते हैं। तो मेरे को आके कहते हैं कि इस गाड़ी के अंदर तो तेल फुल था, आपने जो है बिल्कुल ख़त्म करके दिया, जबकि उसके अंदर मतलब 500 रुपये का तेल जो है उस बंदे ने डलवाया था और मैंने उसके बदले 1000 रुपये का तेल डलवा के दिया था, लेकिन वो ये डंडा जो है वो उठ नहीं रहा था, तो ऐसा हुआ। ठीक है भाई, तो ये स्कैम था हमारे लिए, लेकिन अब इतने साल हो गए, वो 2013-14 की बात है और अब 2022 में चल रहे हैं, उसके बाद से हमारे साथ कभी स्कैमिंग नहीं हुई क्योंकि मैं राइट बंदे से लेता हूँ। इस गाड़ी को हम लोगों ने हायर करने के लिए करीबन 4000 रुपये जो है पे किया पर डे का और 3 से 4 दिन हमारे पास ये गाड़ी थी। इवन फाइनल डे जिस दिन हम लोगों ने वापसी दिल्ली जाना, हमारी फ्लाइट 3-4 बजे की है तो मेरे को पूरा ही दिन का पे करना पड़ता है एंड पिकअप एंड ड्रॉप के भी वो जो है चार्ज लेते हैं। मतलब ये गाड़ी आपको एयरपोर्ट ही मिल जाएगी और जाते वक्त आप इसको एयरपोर्ट ही दे सकते हो। तो आई गेस मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। सबसे पहले जरूरी चीज बताता हूँ कि ये गाड़ी ईयर कौन सी है। सो ये गाड़ी क्यों 7370 किलोमीटर चली है, क्योंकि ये 2021 नवंबर की गाड़ी है और मोस्ट प्रोबेबली मतलब आप लगा लो कि इस गाड़ी को फिर भी भाई उस हिसाब से बहुत अच्छा चला लिया, 4 महीने के हिसाब से 7000 अच्छी चली हुई है। और ये गाड़ी जो है आप लोगों की ऐसे ही आप लोगों को जो है रेंट पे मिलती है और भाई 4 महीने पुरानी गाड़ी है, मतलब फील जो है वो 4 महीने पुरानी वाली। अब इसके बाद जब ये ओल्ड होती जाएगी तो अगेन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप गोवा में कभी भी गाड़ी रेंट करते हो अपनी गाड़ी की तरह रेंट करो। इवन जो मेरी गाड़ी में गंदगी है जब हम गाड़ी वापसी करेंगे तो अच्छी तरीके से जो है वो चीज़ को हम लोग क्लीन करके दे देंगे और मैं आप लोगों को भी ये चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी क्लीन करके ज़रूर दीजिएगा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप गोवा में सबसे पहले स्टे ढूंढ रहे हैं कि आप लोगों को कहाँ रुकना चाहिए, आई विल सजेस्ट अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो अच्छी प्रॉपर्टीज में रुको, एटलीस्ट 3-स्टार प्रॉपर्टी में रुको और रिनॉन्ड नेम जिनके हो, जैसे रेडिसन हो गया, हॉलीडे इन हो गया, पार्क इन हो गया, ये थोड़े से एक रिनॉन्ड नेम है, इनमें आप लोग रुक सकते हो। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप W में रुको, वहाँ पर थोड़ा रेंट जो है रूम का बहुत ज़्यादा है लेकिन फील जो है वहाँ पर रहने की। अगर आप दोस्तों के साथ आ रहे हो तो सस्ती प्रॉपर्टी में रुको, दिन में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर मत करो, रात में ज़्यादा एक्सप्लोर करो, रात में ज़्यादा मज़ा आता है। स्कूटी हायरिंग यहाँ पर 350-450 रुपये की आप लोगों को मिल जाती है स्कूटी। स्कूटी में आपको रिकमेंड करूंगा कि एक्टिवा या फिर वो फसीनो टाइप की स्कूटी लो जिससे आपकी कमर में दर्द ना हो। और आई होप कि सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरी गोवा की ट्रिप कैसी थी। इट वॉज सुपर सक्सेसफुल, इट वॉज सुपर नाइस और एक टाइम तो बनता है भाई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जब आप व्लॉग ना बना रहे हो। अगर व्लॉग बनाता तो थोड़ा सा वो भी अनकंफर्टेबल रहते और मुझे भी बार बार एडिटिंग अपलोडिंग का पड़ रहा था। अब अगर आप पूरी वीडियोज देखोगे तो मैंने पूरे टाइम वीडियो जो है पहले से शेड्यूल कर लिया था, मैंने पहले प्लान कर लिया था कि हाँ भाई मैंने वीडियो डालनी है एक करके। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो लिखिए Musafir8811, फेसबुक पे मुसाफिर कार। सो विद दिस सेट गाइस, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।